येस येस गुड मॉर्निंग बी सीटेड प्लीज ये सेम टेंथ है ना जिसमें मैंने लास्ट मंथ भी सब्सटीट्यूशन लिया था ओके सडाउन सडाउन को बेटा नाइन्थ और टेंथ का फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत इम्पोर्टेंट है स्पेशली फिजिक्स के अंदर इसलिए मैं बार बार सब्सटीट्यूशन यहाँ पे लेती लेती हूँ क्योंकि आप ही के लॉट ने मेरे पास आना है मेरी मेहनत ज्यादा हो जाएगी ना अगर आप ही को पहले से चीजें नहीं आती हूँ अभी ऑप्टिक्स पढ़ा रही है मैम रिफ्रैक्शन चलो एक क्वेश्चन पूछती हूँ मुझे बताओ जब रिफ्रैक्शन होता है तो रिफ्रैक्शन में लाइट का कौन सा प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है कौन बताएगा कमान वेवलेंथ कांस्टेंट रहती है नो एवरी वन इज रॉन्ग वेवलेंथ इज इन करेक्ट आंसर इट्स द फ्रीक्वेंसी दैट डज नॉट क्वेश्चन एक कॉन्केव मिरर है फोर टाइम्स मैग्निफाइड इमेज बनाता है एंड लेट लेटे सपोज फोकल लेंथ इज फिफ्टीन सेंटीमीटर टेल मी दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ओके बेटा दो केसेस होंगे ना इसमें कॉनकेव मिरर अगर मैग्निफाइड इमेज बना रहा है तो रियल इमेज भी बन सकती है और वर्चुअल इमेज भी बन सकती है सो so, आपको दो केसेस लेने हैं एक बार मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रखना है एक बार नेगेटिव रखना है दो करेक्ट आंसर आएंगे इसके देर आर टू पॉसिबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मैं यही चेक करना चाहती थी कि आप लोगों को ये पता है या नहीं पता है बेटा मैंने क्वेश्चन में पूछा कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टर फॉर दिस अमाउंट ऑफ टाइम अगर अगर मैंने आपको टाइम दे दिया डजेंट मीन कि आप h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आरटी लगाओगे बेटा आपको हीट नहीं निकालनी है आपको रेट ऑफ हीट डिसिपेशन निकालना है रेट ऑफ एनर्जी इज पावर राइट तो आपको सीधा आई स्क्वायर आर करना है टाइम तो क्वेश्चन में जान के कंफ्यूज करने के लिए दिया गया मैं पढ़ाया करती थी ना टेंथ में आप लोगों का मैग्नेटिज्म में क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं है आपको सिर्फ बता देते हैं कि सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट से मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा या स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर से कैसा बनेगा जब मैं पढ़ाया करती थी ना तो मैं बच्चों को फॉर्मुलाज भी देती थी Huh? Derivations, i 12th may but there is no harm in providing formulas to students intent so that they know how magnetic field vary if I change the current or if I change the distance, right? Physics is all about logic. Ek ek question ke logic hua hai. Koi bhi cheez ratta ki zarurat nahi aapko. kisi that means your concepts are not good, and you are just compromising with the subject, and that is what I don't like. मैम जस्ट गिव मी टू मोर मिनट्स देखो पीरियड खत्म भी हो गया पता ही नहीं लगा आप लोगों को भी नहीं लगा आप में से एक बच्चे ने नहीं बोला कि मैम बेल हो गई इतना आप अटेंटिवली सुन रहे हो मेरी क्लास आई रियली लाइक दिस क्लास टेंथ इज समथिंग यू नो विच आई रियली वॉन्ट टू टेक अपन इलेवंथ एंड ट्वेल्थ टू ब्रेस योर सेल्फ गाइड यू आर गोइंग टू सी मी आप लोगों को पता नहीं है कि मेरा स्टैंडर्ड क्या है इन टर्म्स ऑफ टीचिंग सो या ब्रेस योर सेल्फ अच्छे से पढ़ाई करेंगे मेहनत करेंगे इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ में कोशिश यही रहेगी कि आपको किसी एक्स्ट्रा कोचिंग और ट्यूशन की जरूरत ना हो लॉन्ग या